हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग स्क्वायर वन क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, स्क्वायर वन क्यूब को हम लोग जो सॉल्व करते हैं उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है लार्स वेंडरबर्ग मेथड। और इस मेथड में हम लोग टोटल 5 स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है 5 स्टेप्स, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस क्यूब के कुछ बेसिक नोटेशन को जान लेते हैं। तो इस क्यूब में हम लोग टॉप लेयर को मूव करते हैं और हम लोग इसमें डाउन लेयर को मूव करते हैं। और इसके साथ साथ इस क्यूब में कुछ स्लैशेस मूव भी होते हैं। स्लैश मूव का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग अपने स्क्वायर वन क्यूब के राइट साइड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे, अगर हम लोग अपने स्क्वायर वन क्यूब के राइट साइड को 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लैश, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके टॉप और बॉटम लेयर में कुछ एज और कॉर्नर पीसेस भी होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये जो टॉप पर ये पीसेस देख रहे हैं, बीच वाले पीस, जैसे ये हो गया, ये सब पीस हो गए जो बीच बीच में टॉप लेयर में, और ये बॉटम लेयर में भी ऐसे पीसेस हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एज पीस। और यहाँ ये जो आप साइड में ये बड़े साइज के पीसेस देख रहे हैं, ये देखिए टॉप लेयर में और ये बॉटम लेयर में, तो इनको हम लोग कॉर्नर पीस बोलते हैं। तो ये जो एज और कॉर्नर पीस है इनको हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर से भी डिनोट करते हैं। एजेस को हम लोग डिनोट करते हैं 1 से और कॉर्नर्स को हम डिनोट करते हैं 2 से। इस स्क्वायर वन क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमें एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर एक लाइन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये एक लाइन को कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी पीस इस लाइन को क्रॉस करता है, अगर कोई भी पीस इस लाइन को क्रॉस करता है तो हम लोग उस पीसेस के मूवमेंट को काउंट करते हैं। जैसे अगर ये जो एच पीस है ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो इसको हम लोग काउंट करेंगे 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एच को 1 से काउंट करते हैं और कॉर्नर को हम लोग 2 से काउंट करते हैं। जैसे अगर ये एच पीस इसको क्रॉस करेगा तो उसको काउंट करेंगे हम लोग 1। और अगर आगे ये कॉर्नर पीस भी अगर क्रॉस करेगा इसको तो क्या काउंट करेंगे हम लोग 2। तो देखिए हुआ ये कि यहां पर इसको हम लोग 1 से काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे 2, तो इन दोनों के मूवमेंट्स जो है वो एड हो जाएंगे 1+2 यानी कि 3। तो ये हुआ, जब फिर से बता रहा हूं आपको, तो ये जब ये पीस क्रॉस किया तो ये हुआ 1 और जब इसको क्रॉस किया तो ये हो गया 3। तो आगे के जैसे जैसे हम लोग पीस मूव करते जाएंगे वो उसके मूवमेंट्स उसमें ऐड होते जाएंगे। फिर जैसे अगर ये एच पीस भी क्रॉस करेगा इस लाइन को तो ये हो जाएगा 4 और ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 6, ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 7, ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 9, ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 10, ये क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉजिटिव मूव्स। इसी तरह इसमें कुछ नेगेटिव मूव्स भी होते हैं। अगर हम लोग अपने इस क्यूब के टॉप लेयर को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो जो मूवमेंट्स होंगे वो नेगेटिव में होंगे, ठीक है। अगर इस लाइन, ये जो लाइन है, अब अगर हम लोग इस कॉर्नर पीस को इसके क्रॉस घुमाएंगे तो ये हो जाएगा -2। कॉर्नर के लिए मैंने बताया था कि आपको कि 2 से हम लोग डिनोट करते हैं, और फिर आगे अगर इस पीस को बढ़ाएंगे इस एच पीस को तो ये हो जाएगा -3। मूवमेंट्स देखिए ऐड होते जा रहे हैं। और अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -5, फिर इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -6, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -8, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये -7, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -11, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो एल्गोरिथम्स यूज करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो नंबर ऑफ पेयर्स कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे अभी आपको अपने स्क्रीन पर कुछ ये नंबर्स देख रहे हैं वो पेयर्स कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है, तो जिससे आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे यहां पर लिखा है -5.3, तो -5 यहां पर जो है वो टॉप लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है और 3 जो है ये डाउन लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर टॉप लेयर में हम लोग पीसेस को अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब हम लोग उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम लोग टॉप लेयर में पीसेस को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो अब हम लोग पीसेस को नेगेटिव लेते हैं, उनके साइन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और अगर हम लोग डाउन लेयर में पीसेस को क्लॉकवाइज लेते हैं तो अब हम लोग उन्हें नेगेटिव लेते हैं, और अगर हम लोग डाउन लेयर में पीसेस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, उनका साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। तो आगे मैं समझा रहा हूं आपको, अब इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा है यहां पर -5.3, तो यहां पर जैसे -5 जो है ये टॉप लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है, तो कैसे हम लोग ये करेंगे मूव, -2 ये हो गया इस लाइन को, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो -2, फिर ये क्रॉस किया तो -3, फिर आगे ये क्रॉस करेगा तो ये -5, और फिर ये जो 3 है इसके बाद है -3, -5.3, तो जो 3 जो है वो डाउन लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है। तो यहां पर हम लोग करेंगे 2, कॉर्नर है तो इसलिए 2, और ये फिर जब ये इसके बाद ये एज भी क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 3।
तो यहां पर ये हमने -5.3 ये मूव किया। अब चलिए कुछ और मूव मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहां पे लिखा है 1, -1/ तो 1 यानी 1 टॉप लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है और -1 यानी डाउन लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है। तो 1 हम लोग जब करेंगे तो इस एज को हम लोग इस लाइन के आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसके ब्रैकेट के बाद लिखा है कॉमा के बाद लिखा है -1 तो -1 यानी कि हम लोग इस पीस को एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और स्लैश मतलब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये हमारा स्लैश मूव है। एक एग्जांपल से हम लोग और समझ लेते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर ये है /3.0/1.0/ अब यहां पर लिखा है स्लैश तो हम लोग पहले स्लैश मूव करेंगे और फिर इसका लिखा है 3 तो ये जो 3 है ये टॉप लेयर के मूवमेंट को शो कर रहा है तो यहां पे ये कॉर्नर को मैंने बताया था 2 से डिनोट करते हैं। जब ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर आगे इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब 3 के बाद लिखा है 0 तो 0 का मतलब यहां पर हम लोग कुछ मूव नहीं करेंगे, 0 का मतलब कुछ भी नहीं तो यहां पर हम लोग नीचे डाउन लेयर हम लोग कुछ भी मूव नहीं करेंगे और फिर लिखा आगे स्लैश और उसके बाद अगला टर्म है 1.0 तो 1.0 में मतलब 1 जो है टॉप लेयर को शो कर रहा है तो आगे हम लोग इस एज को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और 0 में हम लोग कुछ भी मूव नहीं करेंगे फिर इसके बाद स्लैश मूव कर देंगे। ठीक है तो ये हमने ये देख लिया ये वाला मूवमेंट भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर ये क्यूब स्क्रैम्बल हो चुका है तो इस क्यूब को हम लोग टोटल 5 स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो इसके सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है स्टेप 1 में कि हमें इस स्क्रैम्बल क्यूब को एक क्यूब शेप में लाना पड़ता है। ठीक है तो जैसा कि अभी तक आपने देखा था कि स्क्रैम्बल करने से ये क्यूब स्क्रैम्बल करने से पहले ये जो क्यूब था वो एक स्क्वायर फॉर्म में था लेकिन इसको स्क्रैम्बल करने के बाद इसका जो शेप जो है वो काफी बिगड़ गया है तो इसे सबसे पहले हमें एक क्यूब शेप के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक स्क्वायर जैसे स्क्वायर शेप में था हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग यहां पर एक काम करेंगे, यहां पर हमें टॉप पर 8 एच पीसेस को लगाना है, यहां पर टॉप पर हमें 8 एच पीसेस को लगाना है कुछ इस तरीके से। देखिए जैसे हमारे यहां पर ये 8 एच पीसेस लगे हैं तो ऐसे हमें यहां पर 8 एच पीसेस को लगाना है। तो देखिए यहां पर हमारे कुछ पीसेस लगे हैं और हमें अब इसके बाद क्या करना है, कुछ पीसेस को हमें नीचे से निकालकर हमें ऊपर लगाना है। ठीक है, नीचे से हटाकर हमें ऊपर की तरफ और पीसेस को लगाना है। तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम लोग नीचे से निकालकर ऊपर की तरफ पीस लगाएंगे तो हम लोग सिर्फ उन्हीं पीसेस को नीचे से हटाकर ऊपर लगा सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होंगे। देखिए जैसे जहां जहां पर स्ट्रेट लाइन होंगी वहीं पर हम लोग पीसेस को मूव कर पाएंगे। देखिए जैसे यहां पर ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहां पर हम लोग इन पीसेस को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर जैसे यहां पर हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहां पर हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहां पर हम लोग पीसेस को ऊपर नहीं ला सकते हैं, यहां पर हम लोग पीसेस को ऊपर नहीं लाएंगे, नहीं ला सकते। अगर हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो यहां पर हमारा क्यूब जो है ब्रेक हो जाएगा, हमारा क्यूब जो है टूट जाएगा। तो हमें इस बात का खासा ध्यान रखना है कि हम लोग क्यूब के पीसेस को हम लोग नीचे से ऊपर तभी ला सकते हैं जब यहां पर स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए यहां पर हमारी ये स्ट्रेट लाइन है तो इन पीसेस को हम लोग ऊपर ले आएंगे तो देखिए यहां पर हमारे कितने पीसेस हो गए, यहां पर हो गए हमारे 5 पीसेस। अब हमें कुछ और पीसेस लगाने हैं तो अब देखते हैं और पीसेस कहां पर है। देखिए ये यहां पर ये हमारे ये पीसेस हैं तो अब इनको हम लोग ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी भी हमारे यहां पर सिर्फ 5 ही पीस लगे हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर कोई नीचे स्ट्रेट लाइन ढूंढेंगे। देखिए ये हमारी यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है और इसके बगल में देखिए यहां पर ये पीस है तो अब हमें कोशिश करनी है कि अब हम यहां पर एक पेयर बना दें, दो पीसेस का एक पेयर बना दें जिससे हम लोग ऊपर ला सके। तो उससे क्या होगा कि हमारा और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर ये जो पीस है इसको अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो देखिए ये यहां पर दो पीसेस का पेयर बन गया, अब दो पीसेस का पेयर बन गया, अब इस पेयर को हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो देखिए अब यहां पर हमारे 6 पीसेस लग गए। तो ये जब हमारे यहां पर 6 पीसेस लग जाते हैं तो हमारे पास 3 तरह की कंडीशन आती है। तो 3 तरह की कंडीशन क्या है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो जब हमारे ये 6 पीसेस ऊपर लग गए हैं अब हमें क्या करना है, हमें दो पीसेस को और ऊपर लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है 8, हमें टोटल 8 एजेस को लगाना होता है। तो हमारे यहां पर 6 लग चुके हैं, अब हमें दो और लगाना है। तो जब हमारे 6 एजेस लग जाते हैं ऊपर तो हमारे पास 3 तरह के केस आते हैं। तो ये है केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या है कि यहां पर देखिए ये दो पीसेस जो है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये जो ये पीस और ये पीस जो है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको सिंपली अगर हम लोग ऊपर ले आएंगे तो देखिए ये हमारे 8 एच पीस हमारे ऊपर आ गए। तो ये हमारा केस 1 हो गया। अब बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में क्या होता है कि
जो देखिए यहां पर हमारे 6 पीसेस लगे हुए हैं, अब हमें 2 पीसेस और लगाने हैं, तो ये दो जो पीसेस हैं ये हमारे पेयर के फॉर्म में है। देखिए पहले जो हमारे पीसेस थे वो एक लाइन के फॉर्म में थे, यहां पर ये दोनों जो पीसेस हैं ये एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन पेयर्स को ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए यहां पर हमारे ये टोटल 8 पीसेस लग गए, तो ये हमारे यहां पर 8 पीसेस लग गए। अब बात करते हैं केस 3 की, तो जो केस 3 है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारे 6 पीसेस लग गए हैं, अब यहां पर नीचे बचे हमारे 2 पीसेस, ठीक है। देखिए यहां पर एक हमारा ये पीस है और एक हमारा ये पीस है, तो अगर हम लोग इन पीसेस को देखें तो ये पीस जो है ये एक एल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये पीस और ये पीस देखिए ये एक एल फॉर्म कर रहा है, ये एक एल फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हमें इन दोनों पीसेस को भी हमें ऊपर लगाना है, 8 पीसेस मैंने बताया था कि आपको कि 8 पीसेस हमें ऊपर लगाने होते हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि देखिए ये जो 6 पीसेस लगे हैं तो इसमें से हम लोगों को क्या करना है, हमें ये जो 2 पीस हैं आखिरी वाले इनको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, इनको हम लोग जैसे नीचे ले आएंगे, है ना। अब यहां से हम लोग एक बहुत इजी सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारे 8 राइट पीसेस हमारे ऊपर लग जाएंगे सही से। तो यहां पर हम लोग एक बहुत इजी सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, 3-2/ फिर अगला इसमें टर्म है 0.2। तो 0 का मतलब है कि 0 में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, और 2 का मतलब है कि हम लोग यहां बॉटम लेयर में 2 मूव करेंगे, और फिर स्लैश। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर हमारे ये जितने भी पीसेज हैं ये 8ों के 8ों पीस जो हैं ये ऊपर आ गए, तो ये हमारा यहां पर ये स्टेप हो गया। तो जब हमारे ये 8 पीसेस ऊपर आ गए हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्यूब को क्यूब शेप के फॉर्म में लाना है। तो अब इस क्यूब को हम लोग इजिली क्यूब के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पीसेज हैं इनको हम लोग जितने भी साइड्स हैं इनको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे, जितने पीसेज हैं इनको सब अपने फ्रंट में रखेंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए यहां पर टोटल कितने नंबर ऑफ पीसेज हैं, यहां पर है टोटल नंबर ऑफ पीसेज 8। तो हम लोग 4-4 पीसेस को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर जो बीच वाली लाइन है ये जो सिमेट्री है यहां से हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे 8 से कितने पीस बचे, यहां पर हमारे बचे 4 पीस बचे, ठीक है। देखिए ये हमारे 4 पीस बचे यहां ऊपर, और यहां हमारे डाउन लेयर में भी नंबर ऑफ पीसेस कितने बचे, यहां पर हमारे पीसेस बचे 4। अब यहां से हम लोग फिर से 20 से इसको क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे, तो यहां पर 4 से हमारे पीसेस बचे 2। देखिए यहां पर भी हमारे टॉप लेयर में भी 2 पीसेस बचे और यहां हमारे बॉटम लेयर में भी 2 पीसेस बचे। लेकिन अब इसके बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां ये जो डाउन लेयर है तो हम लोग यहां पे ये जो इसके कॉर्नर पीसेस है ना, तो अब इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आएंगे। अब क्यूब को हम लोग यहां ऐसे स्प्लिट करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे ये जो इसके कॉर्नर है इसको हम लोग फ्रंट में ले आएंगे, और यहां पे ये जो इसके कॉर्नर है इसको हम लोग फ्रंट में ले आएंगे, और इसको फिर से हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो देखिए अब हमारे ये जो क्यूब है ये हमारा क्यूब के फॉर्म में आ गया है। देखिए जैसे मैंने बताया कि एक स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, तो ये हमारा क्यूब के फॉर्म में वापस आ गया है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब आते हैं स्टेप 2 पर। तो इस स्टेप को हम लोग कॉर्नर ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो कॉर्नर ओरिएंटेशन का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर हम लोग ये जो टॉप लेयर है यानी कि टॉप पर हमारा येलो है, और बॉटम पर हमें क्या लगाना है, वो बॉटम पर हमें व्हाइट कलर के कॉर्नर पीसेस को लगाना है। तो टॉप पर हमें यहां चारों तरफ हमें येलो कलर के कॉर्नर पीसेस को लगाना है, और यहां बॉटम पर हमें चारों तरफ हमें येलो कलर के कॉर्नर पीसेस को लगाना है। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग पीसेस को लगाएंगे, कॉर्नर पीसेस को ऊपर की तरफ लगाएंगे, यानी यहां पर हमें टॉप पर हमें येलो कॉर्नर पीसेस को लगाना है। तो अब यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जब यहां पर नीचे से ऊपर पीस लगाएंगे कॉर्नर पीस, तो हमें क्यूब को जो है मिस अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर ये हमारा ये येलो कॉर्नर पीस है, तो अगर इसको हम लोग यहां पर ऊपर लाएंगे तो देखिए यहां पर क्यूब का शेप जो है वो बिगड़ रहा है, ठीक है, यहां पर क्यूब का शेप जो है खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस क्यूब को हम लोग हल्का सा मिस अलाइन कर देंगे, यानी कि जैसे यहां पर ये जो पीस है एच पीस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, अब इस पीस को हम लोग आसानी से ऊपर ला सकते हैं। तो जिससे क्या हुआ कि हमारे पीस ऊपर भी आ गया और हमारा ये क्यूब जो शेप है वो खराब भी नहीं हुआ। तो देखिए अब हमारे यहां पर ये पीसेस जो है ऊपर आ गए हैं, अब हमें बाकी पीसेस को ऊपर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए ये हमारे यहां पर ये 2 येलो पीस हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे यहां पर ले आएंगे, है ना। अब इस क्यूब को हल्का सा यहां मिसअलाइन करेंगे, और ये जो 2 येलो पीस है अब इनको हम लोग ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो देखिए यहां पर हमारे कितने नंबर ऑफ येलो पीसेस लग गए, यहां पर हमारे 3 येलो पीसेस लग गए। अब हमें एक और पीस लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो येलो पीस कहां पर है। देखिए ये हमारा ये येलो पीस है, तो अब इस पीस को हमें यहां ऊपर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर
इसको यहां पहले फ्रंट में ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे सॉरी। अब यहां पर हम लोग ये जो नीचे वाला पीस है इसको हम लोग यहां पे ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब इस पीस को हम लोग ये जो ऊपर पीस एक्स्ट्रा पीस जो है इस पीस को जब हम लोग यहां इधर लाएंगे तो इनका एक ऐसे पेयर बन जाएगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो पहले हम लोग इस क्यूब को मिसअलाइन करेंगे। अब यहां पर ये जो पीस जो है इसको हम लोग यहां नीचे ले आएंगे। तो देखिए यहां पर ये येलो से येलो मिलकर एक ये येलो की लाइन बन गया। अब इस लाइन को हमें ऊपर डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सिंपली यहां पर हम लोग ऊपर ले आए, सॉरी यहां पर देखिए हमें पहले क्यूब को मिसअलाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्यूब को मिसअलाइन किया, अब इन पीसेस को हम लोग ऊपर ले आए। तो देखिए यहां पर हमारे ये येलो पीसेस, सारे येलो पीसेस आ गए और यहां नीचे हमारे सारे व्हाइट पीसेस लग गए। तो ये हमारा स्टेप टू कंप्लीट हो गया। अब कॉर्नर ओरिएंटेशन में एक थोड़ा सा ट्रिकी केस होता है कि यहां देखिए टॉप में ये जो कॉर्नर पीसेस है ये डायगनली लगे हुए हैं ना। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहां पर भी हमें पीसेस को लगाना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहां पर ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है येलो वाले पीसेस की। तो यहां पर जो स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म हो रही है तो इसको हम लोग ऊपर ही लगा देंगे। तो यहां पर पहले हम लोग क्यूब को हल्का सा मिसअलाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर ले आए। अब देखिए यहां पर हमारे टोटल 3 पीसेस लग गए। अब हमें यहां पर एक पीस और लगाना है। तो यहां पर ये जो देखिए येलो पीस है इसको हमें यहां पर लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो जहां पर हम पीस को लगाना है इस पोजीशन को हम लोग यहां थोड़ा क्लोज में रखेंगे और यहां पर हमें इस येलो पीस को हमें यहां पर लगाना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग यहां पर ले आएंगे, ठीक है, इस पीस को हम लोग यहां पर ले आएंगे। अब देखिए इससे हुआ क्या कि अगर इस पीस को अगर हम लोग यहां पे लाते हैं, सॉरी पहले मिस अलाइन करेंगे हम इसे, अगर इस पीस को अगर हम लोग अब यहां पे लाते हैं तो देखिए यहां भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई है ना, येलो से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। अब इसको हम लोग इजिली ऊपर ला सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले यहां पर इधर ले आएंगे और अब इसको हम लोग ऊपर कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारे ये जितने भी चारों येलो कॉर्नर्स हैं ये कंप्लीट हो गए और यहां पर हमारे ये व्हाइट कॉर्नर्स कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा यहां पर स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं स्टेप 3 की। तो इस स्टेप 3 को हम लोग एज ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो इस एज ओरिएंटेशन में हमें क्या करना होता है, इस स्टेप में हमें टॉप पर हमें येलो एजेस को ओरिएंट करना होता है और बॉटम में हमें व्हाइट कलर के एज पीसेस को हमें ओरिएंट करना होता है, ठीक है। टॉप पर हमें येलो कलर के एज पीसेस को ओरिएंट करना होता है और बॉटम में हमें व्हाइट कलर के एज पीसेस को ओरिएंट करना होता है। तो अब यहां पर हम लोग एक ऐसा एल्गोरिथम यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि टॉप लेयर का ये वाला एज पीस और बॉटम लेयर का हमारा ये वाला एच पीस, टॉप लेयर का ये वाला एच पीस और बॉटम लेयर का ये वाला एच पीस, तो ये दोनों एच पीस जो हैं ये साइमल्टेनियसली हमारे ओरिएंट हो जाएंगे। तो क्या है वो एल्गोरिथम, चलिए देखते हैं। 1, 0, -3, -0, -3, -1, -1, -4, -0, 3। तो देखिए यहां पर हमारे ये जो एज है ये एज और बॉटम लेयर में हमारे ये एज जो है ये ओरिएंट हो गए। अब हमें यहां पर इस एज को और बॉटम लेयर में हमें इस एज को ओरिएंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इस एल्गोरिथम से यहां पर जो एज होगा और यहां पर जो एज होगा इनको हम लोग ओरिएंट कर सकते हैं। तो पहले ये जो एजेस बचे हैं इनको हम लोग उन पोजीशन पर ले आते हैं। जैसे ये जो एज है इसको हम लोग पहले यहां पर ले आएंगे और अब ये जो एज बचा है इसको भी हम लोग यहां पर ले आएंगे। तो इस एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग यहां पर इन दोनों एजेस को इजिली ओरिएंट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग ये वाला एल्गोरिथम फिर से यूज करेंगे। 1, 0, -3, -0, -3, -1, -1, -4, 0, 3। तो देखिए यहां पर हमारे जितने भी एजेस हैं ये सब ओरिएंट हो गए। तो अभी ये सब एल्गोरिथम आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब आसान लगेगा, ठीक है। तो हमारे यहां पर ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं स्टेप 4 पर। तो इस स्टेप को हम लोग कॉर्नर परम्यूटेशन बोलते हैं। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस स्टेप में हमें ये जो टॉप लेयर है और ये जो बॉटम लेयर में इसमें हमें इसके जितने भी कॉर्नर पीसेस होते हैं इनको हमें सेम कलर का बनाना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहां पर इस बॉटम लेयर में देख रहे हैं यहां पर ये दो जो पीसेस है ये सेम कलर के पीसेस हैं। सिमिलरली हमें यहां पर
यही करना है कि ये जो टॉप लेयर में जितने भी और ये बॉटम लेयर में जितने भी पीसेज हैं सब सेम कलर के हो। तो ये जो सेम कलर के जो कॉर्नर पीस होते हैं इनको हम लोग हेडलाइट बोलते हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि टॉप लेयर में कोई ऐसे पीसेज हैं जो पहले से सेम कलर के हों। तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं ऐसे पीसेज हैं कि नहीं। तो देखिए ऐसा हमारे यहाँ पर कोई सा भी पीस नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें टॉप लेयर में जितने भी पीसेज हैं कॉर्नर पीसेज हैं इनको सबको हमें सेम कलर का बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर एक एल्गोरिदम यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि पहले हमारे दो पीसेज जो हैं वो सेम कलर के हो जाएंगे और फिर से अगर हम लोग वो एल्गोरिदम यूज करेंगे तो हमारे बाकी सारे पीसेज भी सेम कलर के हो जाएंगे। तो चलिए वो एल्गोरिदम यूज करते हैं, स्लैश 3, -3 स्लैश -3, 0 स्लैश 0, 3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, 3 स्लैश। तो अब देखिए अब यहां पर हमारे ये दो जो पीसेज हैं ये सेम कलर के आ गए। देखिए यहां पर ये साइड पूरी कंप्लीट हो गई, इससे मैं मतलब नहीं, यहां पर ये जो दो हमारे पीसेज हैं ये कॉर्नर पीस हमारे सेम कलर के हो गए। अभी बाकी हमारे नहीं हुए लेकिन वो हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दो पीसेज जो हमारे यहाँ हेडलाइट फॉर्म कर रहे हैं इनको हम लोग अपने यहां पर बैक में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो पीसेज है इनको हम लोग अपने यहां बैक में रखेंगे और यहां से हम लोग ये एल्गोरिथम फिर से रिपीट करेंगे, स्लैश 3, -3 स्लैश -3, 0 स्लैश 0, 3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, 3 स्लैश। तो अब देखिए अब हमारे यहां पर ये जितने भी ये सब पीसेज हैं ये सब कॉर्नर्स जो हैं ये हमारे सेम कलर के बन गए, है ना। अब हमें सेम यही हमें बॉटम लेयर में भी करना है। तो देखिए अब यहां पर हम लोग दो तरीके से इसको कर सकते हैं। यहां पर ये जो बॉटम लेयर के हमारे ये पीसेस को सेम बनाना है तो यहां पर हम लोग दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग इस क्यूब को ऐसे रोटेट करके कर सकते हैं और एक तरीका और है, लेकिन अगर हम लोग इस क्यूब को अगर ऐसे रोटेट करके करेंगे तो हमें यहां पर सॉल्व करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहां पर ये देखिए जो बड़ा वाला पीस है तो इसको यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको काफी प्रॉब्लम होगी करने में। तो यहां पर एक हम लोग एक बेसिक सा एक एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारी ये जो लेयर जो है बॉटम वाली लेयर ये हमारी ऊपर आ जाएगी और फिर इसको इजिली हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। जो हमें करना है कि हमारे हमें सारे पीसेस को हमें सेम बनाना है, कॉर्नर पीसेस को सेम बनाना है, हम लोग वो इजिली कर पाएंगे। तो यहां पर मैं अब एक एल्गोरिथम यूज करने वाला हूं, तो जिससे क्या होगा कि ये जो बॉटम में ये साइड है ये हमारी ऊपर आ जाएगी। तो क्या है वो एल्गोरिथम, चलिए यूज करते हैं, स्लैश 6, 6 स्लैश। तो अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारे टॉप पर जो लेयर थी वो नीचे चली गई और जो नीचे वाली लेयर थी वो हमारी ऊपर आ गई। तो देखिए यहां पर हमारी ये हेडलाइट वाले पीसेज देखिए यहां पर हमें ये मिल रहे हैं। अब हमें बाकी हमें यहां पर भी सारे पीसेज को हमें सेम बनाना है। तो ये जो हमारे हेडलाइट वाले पीसेज हैं यानी सेम कलर के कॉर्नर पीसेज हैं इनको हम लोग यहाँ पीछे बैक में रखेंगे और हम लोग फिर से यही एल्गोरिथम यूज करेंगे। जो हमने कॉर्नर्स को सेम बनाने के लिए हमने एल्गोरिथम यूज किया था हम लोग इसको यहां फिर से यूज करेंगे, स्लैश 3, -3 स्लैश -3, 0 स्लैश 0, 3 स्लैश 0, -3 स्लैश 0, 3 स्लैश। तो अब देखिए अब हमारे यहां टॉप लेयर में जितने भी कॉर्नर पीसेज हैं ये सब हमारे सेम कलर के हो गए। अब हमें करना क्या है कि जैसे हमने क्यूब के ये एक्सिस को चेंज किया था, मतलब ये डाउन लेयर को हम लोग ऊपर ले आए थे, अब हमें इस डाउन लेयर को हमें वापस नीचे की तरफ ही डालना है। तो हम लोग फिर से वही एल्गोरिथम यूज करेंगे जो हमने एक्सेस चेंज करने के लिए यूज किया था। तो हम लोग फिर से वही एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं, स्लैश 6, 6 स्लैश। तो देखिए अब हमारा ये जो टॉप लेयर थी वो वापस फिर से ऊपर आ गई और बॉटम लेयर हमारी फिर से ये नीचे चली गई है। तो यहां पर हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो एक बात का हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम लोग ये एक्सेस चेंज करने वाला एल्गोरिथम यूज करते हैं तो उस जो साइड हम लोग नीचे से ऊपर लाते हैं उसको वापस उसकी पोजीशन पर डालना जरूरी है। ठीक है,
तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब आते हैं स्टेप 5 पर। तो इस स्टेप को हम लोग एज परम्यूटेशन बोलते हैं। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, इस स्टेप में हमें टॉप लेयर में ये जितने भी एज पीसेज हैं और ये बॉटम लेयर में जितने भी एज पीसेज हैं इनको हमें परम्यूट करना होता है, इनको इनकी करेक्ट पोजीशन में लगाना होता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा क्यूब जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम लोग एक ऐसा एल्गोरिदम लगाएंगे तो जिससे क्या होगा कि ये टॉप लेयर के ये दो जो पीसेज हैं, टॉप लेयर के हमारे ये दो पीस और बॉटम लेयर के हमारे ये दो पीसेज जो हैं ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, टॉप लेयर के हमारे ये दो पीस और बॉटम लेयर के हमारे ये दो पीस जो हैं ये स्वैप हो जाएंगे। तो चलिए क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। तो यहां टॉप और बॉटम लेयर में हम लोग ऐसे पीसेस को देखेंगे जिनको हम लोग आपस में स्वैप कर सकें और तब हम लोग वो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा कि यहां पर हमारी दो एडजेसेंट साइड कंप्लीट हो जाएंगी, यहां पर टॉप पर और बॉटम पर। तो मैं क्या कहना चाहता हूं अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग वो एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से दो एडजेसेंट साइड टॉप पर और बॉटम पर दो एडजेसेंट साइड कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, हमें ये देखिए यहां पर ये हमारी यहां पर ये एडजेसेंट साइड बनी है और यहां पर ये एडजेसेंट साइड बनी है। तो यहां पर भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। तो पहले हम लोग टॉप लेयर और बॉटम लेयर में ऐसे पीसेस देखेंगे जिन्हें हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसे पीसेस कहां पर है। तो टॉप लेयर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहां पर जैसे ये पीसेस जो है यहां पर है ये ब्लू और यहां पर है ये ऑरेंज, तो इन दोनों पीसेस को हम लोग स्वैप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिदम है तो जब हम लोग यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि यहां पर ये जो पीस है ये यहां पर आ जाएगा और यहां वाला पीस जो है ये यहां पर आ जाएगा। तो यही चीज डाउन लेयर में भी होगी कि यहां वाला जो पीस है वो यहां पर आ जाएगा और जो यहां वाला पीस है वो यहां पर आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब ये वाला पीस जब हमारा यहां पर आ जाएगा तो ये कंप्लीट ब्लू साइड बन जाएगी और जब ये वाला पीस जब यहां पर आ जाएगा तो ये कंप्लीट हमारी ऑरेंज साइड बन जाएगी। ऐसे सेम यहां पर जब ये रेड पीस यहां पर जाएगा तो ये रेड साइड बन जाएगी और जब ये ब्लू पीस यहां पर आ जाएगा तो ये ब्लू साइड बन जाएगी। तो जिससे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट साइड हमें बनानी होती है तो टॉप पर और बॉटम पर हमारी दो एडजेसेंट साइड कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या है वो एल्गोरिथम, चलिए यूज करते हैं हम लोग। तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो पीसेस को हमें स्वैप करना है तो एक को हम लोग अपने राइट में रखेंगे और एक को हम लोग अपने बैक में रखेंगे और तब हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो क्या है वो एल्गोरिथम चलिए देख लेते हैं। -2, 0/(-1, -1)/(-2, 1)/। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दो साइड एडजेसेंट कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये हमारी दो एडजेसेंट साइड बन के आ गई टॉप लेयर में, ऐसे हमारी यहां बॉटम लेयर में भी दो एडजेसेंट साइड बनकर आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारी एडजेसेंट साइड जो हमारी बन गई है टॉप लेयर बॉटम लेयर में, इनको इनमें से एक साइड को हम लोग अपने राइट इनमें से एक साइड को हम लोग अपने लेफ्ट में रखेंगे और एक को हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, यहाँ टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों में। अब यहां से हम लोग यही एल्गोरिथम फिर से यूज करेंगे तो जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी रिमेनिंग पीसेस जो हैं ये हमारे ये क्या कहते हैं परम्यूट हो जाएंगे, जिससे हमारा क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से ये एल्गोरिथम यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ये जो पीसेज हमारी जो साइड बने हैं तो एक को हम लोग अपने राइट में रखेंगे लेफ्ट में रखेंगे और एक को हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और ये अनसॉल्व पीसेस को हम लोग इधर रखेंगे। तो चलिए हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, -2, 0/(-1, -1)/(-2, 1)/। तो देखिए हमारे यहां पर ये क्यूब कंप्लीट हो गया। चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसे टॉप लेयर और बॉटम लेयर में हम लोग ऐसे पीसेस को देखते हैं जिनको हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो पहले हम लोग टॉप लेयर में देखते हैं ऐसे पीसेस जिनको हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो देखिए अब जैसे यहां पर ये जो पीस है ये ऑरेंज और ये ब्लू है ना, तो ये ब्लू को हम लोग यहां पे ला सकते हैं और ये जो ऑरेंज है फिर ये यहां पर आ जाएगा वो एल्गोरिथम लगाने के बाद। और ये डाउन लेयर में यहां ये जो ऑरेंज पीस है यहां पर आ जाएगा और ये जो ब्लू पीस है ये यहां पर आ जाएगा। तो अब हम लोग वही एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो क्या है वो एल्गोरिथम, -2, 0/(-3, 0)/(-1, -1)/(-2, 1)/। तो अब उससे हुआ क्या कि हमारी
टॉप और बॉटम लेयर में हमारी एक एक साइड कंप्लीट हो गई, बन गई, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई और यहां पर हमारी ये साइड कंप्लीट हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें करना क्या होता है, हमें दो एडजेसेंट साइड बनानी होती है। तो अब हमें इन्हीं दोनों एक एक साइड के एक और एडजेसेंट साइड बनानी है, तो हम लोग और पीसेस ढूंढेंगे जिन्हें हम लोग स्वैप कर सकते हैं। तो हाँ, तो देखिए यहां पर ये रेड है और यहां पर ये ऑरेंज है, तो इन पीसेस को हम लोग स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एल्गोरिथम यूज करेंगे वाला, तो उससे क्या होगा कि ये रेड पीस यहां पर आ जाएगा और ये ऑरेंज पीस हमारा यहां पर आ जाएगा। तो जिससे होगा क्या कि यहां पर जब ये रेड यहां पर आ जाएगा तो ये रेड साइड भी कंप्लीट हो जाएगी और ये एडजेसेंट साइड बन जाएगी इसकी। और यहां बॉटम में क्या होगा कि ये रेड जब यहां पर आ जाएगा तो यहां पर भी हमारा रेड ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पर ये एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वही एल्गोरिथम फिर से यूज करते हैं, -2, 0/(-1, -1)/(-2, 1)/, ठीक है। अब देखिए हमारे यहां पर ये यहां पर एडजेसेंट एज बन गया और यहां पर हमारी ये भी एडजेसेंट साइड बन गई। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एडजेसेंट साइड बन गई हैं, तो एक को हम लोग अपने लेफ्ट में रखेंगे और एक को हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। दोनों टॉप और बॉटम लेयर में हमें दोनों में यही काम करना है ना। और यहाँ ये जो अनसॉल्व पीसेज है इनको हम लोग अपने राइट और बैक में रखेंगे। और यहां से हम लोग फिर से एल्गोरिथम यूज करेंगे, -2, 0/(-1, -1)/(-2, 1)/। तो अब देखिए हमारे यहां पर ये क्यूब जो है सॉल्व हो गया। तो कभी कभी हमारे क्यूब पर एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। तो पैरिटी क्या होती है, पैरिटी एक एरर होती है। तो हमारे स्क्वायर वन के ऊपर कभी कभी एक एरर कंडीशन आ जाती है। तो जिसमें क्या होता है कि देखिए यहां पर हमारे बॉटम लेयर में ये जितने भी ये साइड्स हैं ये सब कंप्लीट बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ टॉप लेयर में देखिए ये दो साइड जो है ये एडजेसेंटली बनी हुई है, जैसे ये साइड बनी ये साइड बनी, लेकिन हमारी ये दो साइड नहीं बनी है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो इसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। तो पैरिटी में क्या होता है कि ये डाउन लेयर में हमारे जितने भी ये सब साइड हुए ये सब हमारी कंप्लीट होती है, लेकिन ये टॉप लेयर में हमारी सिर्फ दो साइड जो है एडजेसेंट बनी होती है, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट बनी होती है और दो साइड हमारी अनसॉल्व होती हैं, इनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम लोग पैरिटी बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ डाउन लेयर में हमारी ये सारी साइड जो है ये बनी हुई है और टॉप लेयर में हमारी सिर्फ ये दो एडजेसेंट साइड बनी है, एक ये साइड बनी है और एक ये साइड बनी है, इधर की हमारी साइड जो है ये सॉल्व नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन को हम लोग पैरिटी बोलते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग एल्गोरिथम यूज करते हैं वो काफी लंबा एल्गोरिथम है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग उसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए वो हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो उससे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पीसेस हमारे सॉल्व है ऊपर वाले, तो एक को हम लोग अपने लेफ्ट में रखेंगे और एक को हम लोग अपने बैक में रखेंगे और तब हम लोग ये एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो क्या है वो एल्गोरिथम, -3, 0, 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
तो कभी कभी हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती थी जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ टॉप में हमारी जितनी भी ये सब साइड है पूरा क्यूब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ बॉटम में भी हमारी जितनी भी ये सब साइड है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर बस करना क्या है, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पीस है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, बस हमें इसको लगाना, हमें इसको फिक्स करना है। तो जब हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे, इस बड़े वाले पीस को फिक्स कर लेंगे इक्वेटर को, तो हमारा पूरा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस बड़े वाले पीस को फिक्स करने के लिए, इसको सही तरह से लगाने के लिए एक बहुत इजी सा एल्गोरिदम है, तो हम लोग वो यूज करेंगे तो हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है वो एल्गोरिदम, चलिए देखते हैं। स्लैश सिक्स स्लैश
6/ तो देखिए हमारा ये क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया। तो कभी कभी हमारे पास एक ये स्पेशल तरह का केस भी आता है, तो जिसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर टॉप पर हमारे पूरा क्यूब बना हुआ है, देखिए टॉप पर ये सब कुछ बना हुआ है और यहाँ बॉटम पर भी हमारा ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो मिडिल वाला पीस है देखिए ये एक अलग तरह का पीस है, मतलब यहाँ पर ये डिफरेंट कलर का पीस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बहुत इजी सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सेंटर वाला पीस है ये यहाँ पर सही पीस लग जाएगा और हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, 1/6, -1। तो देखिए यहां पर हमारा ये क्यूब सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।